10th मैथ्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन फर्स्ट। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। एक मेटेलिक स्फीयर, एक मेटल का स्फीयर जिसका रेडियस दे दिया 4.2 सेंटीमीटर, उसे मेल्ट कर दिया, पिघला दिया और रिकास्ट और दोबारा उसे क्या बनाया, स्फीयर बनाए, और जिनकी रेडियस 6 थी। पूछा है, ये क्वेश्चन में चेंज है बेटा, रिकास्ट इनटू दी स्फीयर की जगह यहां पे शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी स्फीयर को मेल्ट करके आपने सिलेंडर बना लिया, इसको मेल्ट किया और क्या बना दिया, सिलेंडर। ये जो स्फीयर था इसकी रेडियस आपको दे दी 4.2 सेंटीमीटर और सिलेंडर की रेडियस आपको दे दी 6 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट पूछी है। तो देखो दो चीजें हैं, एक तो कॉन्सेप्ट क्या है इन क्वेश्चंस के पीछे और एक फॉर्मूले। भाई सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आ जाए, तो क्वेश्चन समझना ध्यान से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। मेटल का स्फीयर जिसका रेडियस लिख दिया, बना दिया स्फीयर, मेल्ट किया और रिकास्ट दोबारा उसे कन्वर्ट कर दिया, उसको मेल्ट करके क्या बना दिया, उसका सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में, और सिलेंडर की भी रेडियस दे दी, हाइट पूछी है। ये तो हमने डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन ये है। अब क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है और फॉर्मूले क्या यूज करने हैं। फॉर्मूले तो दो यूज करने हैं, लेकिन दो फॉर्मूले किस बेस पे, कॉन्सेप्ट के बेस पे। कॉन्सेप्ट है कि जब आप एक चीज को मेल्ट करके दूसरे में कन्वर्ट करते हो तो दोनों का क्या सेम रहेगा। हमने क्या क्या पढ़ा है फिगर्स में, कर्व सरफेस एरिया पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा और वॉल्यूम पढ़ा, यही पढ़ा है। तो जब मेल्ट करके दूसरे में कन्वर्ट करें या एक चीज के अंदर कुछ सामान डाल दें, तो इस तरह की चीजों के अंदर कैपेसिटी यानी वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि इसी के मटेरियल से ये बना है, इसको मेल्ट किया तो ये बना, ये सॉलिड था, सॉलिड बिल्कुल भरा हुआ, तो इसके मटेरियल से ये बना, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो फॉर्मूले किसका पता होने चाहिए हमें, अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम कि अगर मेल्ट किया है दूसरा बनाया तो दोनों का वॉल्यूम सेम है। अब फॉर्मूला किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्फीयर और सिलेंडर का वॉल्यूम का। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³ r1 ले लो, या फॉर्मूला तो ऐसे ही लिख लो। सिलेंडर πr²h, ये सिलेंडर का है। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ स्फीयर r1 इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर
रेडियस ऑफ सिलेंडर आर टू इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एच सेंटीमीटर, स्फीयर रिकास्ट इनटू सिलेंडर, स्फीयर रिकास्ट इनटू सिलेंडर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³³, सिलेंडर πr²h, पाई से कैंसिल, पाई वैल्यू रख दें, 4/3 × r₁ 4.2 × 4.2 × 4.2 इक्वल टू r₂ यानी 6 स्क्वायर है तो एक बार और 6 और ये हाइट एज इट इज। यहां सिंप्लीफाई करेंगे 4/3 × 42/10 42/10 मल्टीप्लाई ये 6 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड इक्वल टू हाइट। अब देखो इसको तो डिवाइड करने का 10 को तो कोई फायदा नहीं है, सीधा 1000 है, 3 के बाद पॉइंट लगा देना, ये कैंसिल कर देते हैं, 7 जा 7 जा 3 से 3 1 जा 3 4 जा ये आपका आ गया है 14 4 जा 56 मल्टीप्लाई 7 फिर एक बार और 7 से 14 4 जा 56 मल्टीप्लाई 7 292 अगेन मल्टीप्लाई बाय 7 2744/1000 देयरफॉर हाइट इक्वल टू 2744/1000 यानी 2.744 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है क्वेश्चन सेकंड, द मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. Find the radius of the resulting sphere. क्वेश्चन समझो, मेटेलिक स्फीयर, फिर एक स्फीयर है, तीन है इस बार, एक की रेडियस 6 है, एक की 8 और एक की 10 है, तीन स्फीयर, एक ये, एक इससे बड़ा और एक इससे भी बड़ा, इन तीनों को क्या किया, मेल्ट कर दिया और एक बड़ा स्फीयर बना लिया। पहले वाले की रेडियस 6 सेंटीमीटर, दूसरे की 8 सेंटीमीटर, थर्ड वाले की 10 सेंटीमीटर, पूछ रहा है ये जो बड़ा बनाया इसकी रेडियस कितनी होगी। कॉन्सेप्ट क्या है कि इसको, इसको और इसको तीनों को मिला लिया तो तीनों का वॉल्यूम V1 प्लस
प्लस वी टू प्लस वी थ्री इक्वल टू इसका वॉल्यूम वी। ये कॉन्सेप्ट है भाई, तीनों को मेल्ट किया तो तीनों का मटेरियल आपस में मिक्स हो गया, यानी तीनों का वॉल्यूम ऐड कर दिया हमने ऐड, और उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक स्क्वायर में, यानी इसका वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के बराबर है। ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला आपको पता है, एक ही फॉर्मूला लगेगा, 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, एक ही फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रह जाएगा पढ़ने के बाद। सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर r1 6 cm, रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर r2 8 cm, रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर r3 10 cm। लेट रेडियस ऑफ न्यू फॉर्म स्फीयर r be r cm। ऑल थ्री आर रिकास्ट एंड फॉर्म न्यू सिंगल सॉलिड स्फीयर। ऑल थ्री स्फीयर्स आर रिकास्ट एंड रिकास्ट इनटू ए सिंगल न्यू स्फीयर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। तो v1 + v2 + v3 इक्वल टू v, 4/3 πr³ + 4/3 πr²³ + 4/3 πr³³ इक्वल टू न्यू 4/3 πr³। 4/3 π कॉमन ले लेते हैं, बचता क्या है, r³ + r²³ + r³³ इक्वल टू 4/3 πr³। 4/3 π से 4/3 π कैंसिल कॉमन लेने के बाद, तो अब वैल्यू रख दो, r1 की वैल्यू 6³, r2 की वैल्यू 8³ + r³ 10³ इक्वल टू r³। 6 की क्यूब 36, 6 = 216, 8³ 8 = 64 × 8 512, +10³ 1000 इक्वल टू r³। सोल्व करेंगे तो आपके पास r³ इक्वल टू, इन्हें प्लस करो, 5, 6, 7, 728, 1728। इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अब या तो आप क्यूब रूट याद रखो, 20 तक क्यूब्स याद रखो, अदरवाइज क्या मेथड आपके पास, अदरवाइज आपके पास फैक्टराइजेशन, 1728, 2 से 2 8 = 16, 2 6 = 12, 2 4 = 8, फिर 2 से 4 3 2, फिर 2 से 216। अब 216 तो आपको याद होगा 6 का है, अगर तो 666 कर सकते हैं, अगर फिर भी ध्यान ना रहे तो फिर आगे चलने दो, 2 से 108 254 227, ये 3 से 393331 क्यूब, यानी 33 के पेयर बनाने हैं, इनमें से एक दो बाहर आ गया, इनमें से एक और दो बाहर आ गया, और इनमें से एक 3 2 2 = 4 3 = 12, तो r³ इक्वल टू 12³, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 12 cm। ये आपका आंसर है, बहुत आसान था। देखो
हमने बात की थी तीनों का वॉल्यूम यानी 4.3πr1³, 4.3πr2³, 4.3πr3³ इक्वल टू टोटल बड़े वाले स्फीयर का 4.3πr³। 4.3π कॉमन ले लिया इन तीनों में से, उधर ले गए डिवाइड हुआ तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया, तो r1³ + r2³ + r³³ = r³। वैल्यू रखा और हमने r की वैल्यू सोल्व कर दी। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड। ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म (22m/14m). फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन समझते हैं, क्या किया देखना। 20 मीटर डीप वेल, कुआं डायमीटर दे दिया, तो समझो कुआं, कुआं कुएं को देखो किस तरह का होता है, सिलेंडर शेप का, उसका डायमीटर दे दिया, उसे खोदा गया यानी मिट्टी में कुआं खोद लिया, तो उसकी शेप कैसी होगी, कुएं की ऐसी शेप होगी भाई। ये ऊपर ग्राउंड है और इसे मिट्टी, ये हमने ग्राउंड के नीचे डग आउट किया है, ये खोद लिया, इसमें से मिट्टी निकली और खोदने से जो मिट्टी निकली उसका हमने क्या किया, इवनली बराबर बराबर एक प्लेटफॉर्म 22m/14m लेंथ वेट है, हाइट पूछी है, यानी उसको हमने बराबर इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म की शेप में ये इस सारी मिट्टी को हमने इस प्लेटफॉर्म की शेप में जो है बराबर बराबर जो है बिछा दिया, ये बना दिया अब हमने इससे प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, हाइट पूछी है आपसे, 22m लेंथ, ब्रेथ 14m और हाइट आपसे पूछ ली है, इसका डायमीटर आपको दे दिया 7m। फिर वही कॉन्सेप्ट, इसको खोदने से जो मिट्टी मिली उसी से प्लेटफॉर्म बना, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्यूबॉइड है तो फॉर्मूला क्या, सिलेंडर का फॉर्मूला आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का πr²h और एक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम L×B×H, दो फॉर्मूले, दोनों को इक्वल कर दो आपको हाइट आ जाएगी। सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, डायमीटर ऑफ द, अच्छा इसकी हाइट डीप, ये इसकी हाइट दी आपको 20m डेप्थ, ये हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेल,
सिलेंड्रिकल कुएं की हाइट h1 इक्वल टू 20 मीटर, दो हाइट है एक को h1 ले लो, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेल d1 इक्वल टू 7 मीटर, इसे तो d ले लो सिर्फ एक ही अकेला, देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेल r 7/2 मीटर। नाउ लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म की लेंथ l 22 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म 14 मीटर, लेट हाइट ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म h 2 मीटर। अब दोनों का वॉल्यूम इक्वल था तो हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देते हैं। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, तो एल इंटू बी इंटू एच टू इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच वन, वैल्यू रख दो सबकी, एल 22 इंटू ब्रेड्थ 14 इंटू एच टू इक्वल टू पाई 22/7, आर रेडियस 7/2 इंटू 7/2, एच वन हाइट 20, 7 से कैंसिल 7, 2 से कैंसिल 11, 2 से कैंसिल 10, तो एच टू इक्वल टू क्या बचा है यहां पे, 11 इंटू 7 इंटू 10, 11 इंटू 7 इंटू 10, ये दोनों मल्टीप्लाई तो यहां डिवाइड, 22 इंटू 14, 11 वन जा 11 टू जा, 7 वन जा 7 टू जा, यानी 10 डिवाइड बाय 4, तो 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 टू जा 8 और 2 0 4 5 जा 22.5 मीटर हाइट आ गई आपकी क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म की, ठीक है।